नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां चावल घोटाले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और परिवहनकर्ता के द्वारा घपला किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के सांव स्थित रुद्र बेयर हाउस का है, जहां से ट्रक क्रमांक MP17HH4319 दिनांक 30/9/24 को शाम 4 बजे के बाद 580 बोरी यानी कि 287.74 क्विंटल FCI का चावल लेकर निकला था, मगर गंतव्य तक नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि उक्त रेलवे रैक में उक्त ट्रक को पहुंचना था, रैक चली गई लेकिन चावल नहीं पहुंचा। जानकारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सिमरिया थाना में परिवहनकर्ता दिलीप जायसवाल के प्रतिनिधि अनूप द्विवेदी ने कंप्लेन करने पहुंचे थे, लेकिन बताया जाता है कि शिकायत दर्ज नहीं की गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर FCI के क्वालिटी इंस्पेक्टर अरुणेश सोगौरा, जिनकी तैनाती रुद्र बेयर हाउस में ही है, उनके द्वारा गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। जब विराट 24 के द्वारा अरुणेश सोगौरा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह बात सत्य है कि उक्त ट्रक रेलवे रैक में नहीं पहुंचा था, लेकिन इसकी वजह यह है कि ट्रक के पट्टे टूट गए थे। जब उनसे सवाल किया गया कि ट्रक के पट्टे टूट गए तो क्या ट्रक चालक के द्वारा मालिकान को सूचना नहीं दी गई, तो उनकी बोलती बंद हो गई और उन्होंने कहा कि शायद उसके पास मोबाइल नहीं रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में ट्रक चालक कैसे बिना मोबाइल के परिवहन कर रहा था और लापता होने के बाद मालिक को सूचना नहीं दिया, या ट्रक खराब होने के बाद सूचना नहीं दिया। परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि पहले शाहपुर चौकी पहुंचे थे, चौकी से उन्हें सिमरिया थाना भेजा गया और सिमरिया थाने में आवेदन दिया गया। हालांकि जब सिमरिया थाना प्रभारी से उक्त मामले में बात की गई तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि वह अभी बसामन मामा में ड्यूटी कर रहे हैं। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन लंबे समय से शासकीय खाद्यान्न राइस मिल, मैदा मिलों में बेचा जाता रहा है, कई बार पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते हर बार यह बच निकलते हैं। सूत्रों की माने तो उक्त ट्रक की लोकेशन चौरहटा में देखी गई है, कुछ जगह CCTV कैमरे भी लगे हैं जहां उक्त ट्रक कैद हुआ है। हालांकि क्वालिटी इंस्पेक्टर यह बताने में समर्थ नहीं थे कि आखिर ट्रक कहां खड़ा है और लोड है या खाली। आप भी सुनिए किस तरह से गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि अनूप द्विवेदी से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किया। आइए सुनाते हैं आपको अरुणेश सोगौरा का क्या कहना है। हेलो, अरुणेश सोगौरा जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 न्यूज चैनल से। जी जी बताएं। जी साहब, अपने यहाँ साव में जो ये रुद्र बेयर हाउस है, अरे कहीं गाड़ी चोरी नहीं हुई भैया? क्यों आप शिकायत करने क्यों पुलिस के पास पहुंची थी टीम? कौन टीम पहुंची शिकायत करने? परिवहनकर्ता दिलीप जायसवाल जी के प्रतिनिधि कोई पहुंचे थे। अरे वो क्या हुआ है, रेक लोडिंग के समय पे रात में उनका कहीं भी पट्टा टूट गया था ट्रक वाले का। जी, तो नहीं पहुंची होगी, इसलिए पहले पहुंचा रहा होगा, शिकायत करने 2 दिन पहले पहुंचा होगा, फिर मिल गई है सुबह टाइम पे तो खाली कर दी वो गाड़ी। खाली खड़ी हुई है, एडवांस लोडिंग के तौर पे खड़ी हुई है, उन्हीं के पास है। कहाँ खड़ी हुई है? रुद्र बेयर हाउस में? नहीं नहीं, रुद्र में नहीं खड़ी है, उन्हीं के पास ठेकेदार के अंदर में ही है। अच्छा, ठेकेदार के अंदर में खड़ी हुई है। हाँ, मतलब उस दिन लेट हो गई तो वहाँ नहीं जा पाई, बस वही है और कुछ नहीं है। बाकी क्या होता है कि देखिए, प्रॉपर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही लोड करके ट्रक जाता है, प्रॉपर उसका गेट पास GR कटती है। जी जी। और ठेकेदार के पास एक प्रति GR भी रहती है सारी चीजें, तो ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी निकाल देगा। FCI में ऐसे कभी आज तक नहीं हुआ है। जी जी, ये सब अफवाह उड़ा दी है। शुरू में क्या लेट पहुंची होगी गाड़ी, तो उनको लगा होगा कि कोई ट्रक वाला लेके चला गया होगा। बाद में सब पता किए तो उसका टूटी हुई थी गाड़ी का पट्टा, टूटा हुआ था। तो ड्राइवर संपर्क नहीं किया था क्या मालिक से, या कि बात यहाँ तक पहुंच गई, भले शाहपुर चौकी पहुंचे फिर इसके बाद से सिमरिया थाना पहुंचे, हो सकता है नहीं हो पाया? नहीं, हो सकता है कि नहीं रहा होगा मोबाइल नंबर वगैरह, नहीं रहा होगा। हो सकता है कि मोबाइल, भाई ड्राइवर है, नहीं रहता कभी कभी, किसी पर किसी का रिचार्ज नहीं रहता, इस कारण से फिर सुबह 5 बजे जब रेक फाइनल हुई 4 बजे रात को, जी तो वो 5 बजे गाड़ी मिल गई है। हमने खुद भी, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके VRC के, उनसे हमने खुद भी बात की है, तो वो भी बता रहे थे मिल गई है, खड़ी हुई है गाड़ी। क्या है, नेक्स्ट रेक जल्दी आने वाली है, 2-3 दिन में फिर रेक लगना है। हाँ। तो इस कारण से क्या है, वापस जाके खाली करा देंगे, इसलिए बोल रहे कि जितने में मैं खाली कराऊंगा यहाँ से भेजूंगा, वो एडवांस में रहेगी अगली गाड़ी। बिल्कुल। तो गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है अभी? अभी ये जानकारी नहीं है, आप कहिए तो हम आपको नंबर दे दें उनको, VRC के रिप्रेजेंटेटिव का, आप खुद बात कर लीजिए। दे दीजिए, मैं बात कर ले। हाँ ले लीजिए नंबर, हम दे देते हैं आपको।
एक सेकंड, 877-06 877-06 00827 827 00827 जी 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 कौन मिलेगा इसमें? ये अनूप द्विवेदी जी हैं। अनूप? हाँ अनूप द्विवेदी हैं, विद्यार्थी के हैं, इनसे आप कंफर्म कर लिए, एग्जैक्ट बता देंगे गाड़ी कहाँ पे है क्या है। चलिए ठीक है ठीक है। सुना आपने, करोड़ों के चावल घोटाले के बाद भी विभाग अभी भी सतर्क नहीं हुआ और लगातार घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। अब एफसीआई को चाहिए कि उक्त ट्रक कहां लोड खड़ा है, किसके अंडर में खड़ा है, यह जांच करवाए और सत्यता क्या है इसका खुलासा करे, अन्यथा यही माना जाएगा कि एक बार फिर अब 580 बोरी चावल बाजार में बेच दिया गया और मामले में लीपापोती की जा रही है।